भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने प्रदेश की सीमाओं में बाहर से प्रवेश करने वाले लोगों के लिए सुरक्षित आवास दिलवाने के लिए क्वारंटाइन केंद्र तैयार किए हैं। ये सराहनीय कदम है। डॉक्टर बिंदल ने ऐसे केंद्रों का निरीक्षण किया। इन केंद्रों में सरकार द्वारा सभी सुविधाओं को उचित ध्यान दिया जा रहा है, जैसे केंद्रों में लोगों के ठहरने की, खाने की और सोने के साथ साथ नहाने की व्यवस्था का भी विशेष प्रबंध किया गया है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के पदाधिकारी एवं संसदीय क्षेत्र के प्रभारियों के साथ कर्फ्यू एवं लॉकडाउन की स्थिति पर भी चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सराहना की और सरकार से विस्तृत जानकारी भी ली। प्रिय भाइयों बहनों, हिमाचल प्रदेश की श्री जयराम ठाकुर सरकार ने जो बाहर से आने वाले लोग हिमाचल की सीमाओं में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षित आवास दिलाने के लिए क्वारंटाइन सेंटर्स तैयार किए। आज हरियाणा की बाउंड्री के ऊपर सिरमौर जिला में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर कालाम में जाने का अवसर मिला। बाहर से आने वालों के लिए ठहरने की, सोने की, खाने की, नहाने की, साबुन की, ऐसी सारी व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। हम जब बाहर से आ रहे हैं, आप किसी भी प्रकार से रोग से ग्रसित हो सकते हैं। 14 दिन तक अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हम सब लोग इस गाइडलाइन की अनुपालना करें। यह कष्टदायक है, हम हिमाचल में आ गए फिर भी हम क्वारंटाइन में, परंतु ये महामारी ना हिमाचल की सीमा को देखती है ना विश्व की सीमा को देखती है। तो जो होम मिनिस्ट्री की, स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस है, उनको हमें अनुपालना करनी, हमें बधाई देनी है माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने और सफलतम प्रयास करके अभी तक कोरोना को रोक करके, थाम करके रखा है। हम सब मिल करके उसमें सहयोगी बने, ऐसी प्रार्थना है। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन और कर्फ्यू की स्थिति पर चर्चा के लिए आज हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार के माध्यम से किए जा रहे समाज के लिए कार्यों की व्याख्या की।